अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर मुनीर आजकल टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इन आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज 24 नवंबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है 19,000 डॉलर के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप करना चलूँ यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन 19,200 डॉलर के करीब ट्रेड हो रहा था। और कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको गाइड किया था कि अगर बिटकॉइन अपना जो करंट स्पॉट लेवल है 18,900 डॉलर से लेकर 19,000 डॉलर तक का स्पॉट लेवल, अगर बिटकॉइन इसको तोड़ देता है तो बिटकॉइन का नेक्स्ट स्पॉट लेवल बनेगा 18,400 डॉलर से लेकर 18,500 डॉलर का लेवल। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 18,530 डॉलर से बिटकॉइन ने दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया है। और मेजरली बिटकॉइन वही कंसोलिडेशन लेवल जो कि हम लोग पिछले तकरीबन 3 से 4 दिनों से देख रहे हैं, बिटकॉइन मेजरली उसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ही ट्रेड हो रहा है। तो अनटिल अनलेस कोई बहुत अच्छी या कोई बहुत बुरी न्यूज नहीं आती है मार्केट के लिए, या अनटिल अनलेस बहुत ही मेजर ब्रेकआउट या बहुत ही मेजर ब्रेकडाउन नहीं देखते हम लोग बिटकॉइन के ऊपर, तब तक बिटकॉइन हम लोग को मेजरली इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ही ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर, और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लेना है बिटकॉइन के ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और यहाँ पे एक मेजर डाटा अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, तो यहाँ पे मेजर डाटा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है वो शेयर करना है S&P 500 मतलब के स्टॉक मार्केट का डाटा। और ये डाटा है 1928 से लेके 2022 तक का डाटा के, जिसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि 1928 से लेकर 2022 तक कौन से ऐसे 15 साल हैं कि जिसके अंदर S&P 500 ने हम लोगों को वर्स्ट रन दिखाया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तारीख के अंदर 2022 का साल मतलब के जो करंट साल है वो तारीख का चौथा सबसे बुरा साल है कि जिसके अंदर साल के पहले हाफ मतलब के साल के पहले 169 डेज के अंदर S&P 500 की जो वैल्यू नीचे आई है वो आई है 17.7% तक। और अगर आप लोग इसका मुकाबला 2008 के साल के साथ करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2008 के साल में पहले 169 डेज के अंदर 13% तक S&P 500 नीचे आया था। और क्यों मैं S&P 500 का डाटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसकी रीजन अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इस वक्त S&P 500 क्रिप्टो मार्केट हम लोग को मेजरली एक ही जैसा रन दिखा रही है। अगर S&P 500 हम लोग को रेड रन दिखा रहा है तो मेजरली क्रिप्टो करेंसीज और मेजरली बिटकॉइन भी हम लोग को वैसे ही रेड रन दिखाता है, और अगर S&P 500 हम लोगों को ग्रीन रन दिखाता है तो मेजरली क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन भी हम लोगों को ग्रीन रन दिखाता है। तो एक तो ये रीजन है कि मैं आप लोगों के साथ S&P 500 का ये चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और दूसरी रीजन यहाँ पे ये है कि इस वक्त हम लोग तारीख के मुताबिक वन ऑफ द वर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर चल रहे हैं कि जिसके अंदर जितनी भी ऑन रिस्क मार्केट्स हैं, कि जिसके अंदर स्टॉक मार्केट आ जाती है, जिसके अंदर क्रिप्टो मार्केट आ जाती है, वो हम लोग को मेजरली रेड रन ही दिखा रही है। और अगर तो आप लोगों ने इस साल के अंदर मतलब कि 2022 के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंट्री ली है, और ये सोचते हुए अगर आप लोगों ने एंट्री ली है कि आप लोग अगले चंद महीनों के अंदर मतलब कि 4 महीने 5 महीने या 6 महीनों के अंदर आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से, तो वो तो अब होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप लोग अगले चंद सालों तक मतलब कि लॉन्ग टाइम फ्रेम तक अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके रखते हैं तो आप लोग डेफिनेटली तौर पे अपने प्रॉफिट्स को जनरेट करेंगे, क्योंकि ये जो रिसेशन ज्यादा बढ़ रही है, ये जो तमाम स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट हम लोग को रेड रन दिखा रही है, ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा। और जैसा कि सर मुकद्दर से अभी अपनी ये शॉर्ट वीडियो के अंदर बताया कि अगले 6 माह और अगला 1 साल जो है वो मेजरली क्रिप्टो मार्केट के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, उसके अंदर हम लोग मेजरली क्रिप्टो करेंसीज को रेड रन या साइड बाय साइड रन ही दिखाता हुआ देखेंगे। तो अगेन अभी भी ये जो है रेड रन और बियर मार्केट है ये अभी भी कंटिन्यू रहेगी, और बिटकॉइन और मेजर जो क्रिप्टो करेंसीज है वो हम लोग को साइड बाय साइड रन या रेड रन ही दिखाते हुए दिखाई देंगे। तो S&P 500 का ये चार्ट अगेन आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी था, और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज ही नहीं है जो कि हम लोगों को रिटर्न दिखा रही है, बल्कि स्टॉक मार्केट भी अब मेजर रिसेशन के अंदर चल रही है, और इस वक्त ये तारीख का वन ऑफ द वर्स्ट ईयर है फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और एक मेजर न्यूज अगर आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, तो यहाँ पे मेजर न्यूज आ रही है USDT के, और यहाँ पे टेथर कंपनी को कोर्ट की तरफ से हुक्म हुआ है कि वो सारा का सारा डाटा कोर्ट के साथ शेयर करेंगे, जो कि ये जाहिर करता है कि इस वक्त जितनी भी सर्कुलेशन मार्केट है USDT की जो कि है इस वक्त तकरीबन 67.9 बिलियन डॉलर्स, इसके बैक में टेथर कंपनी के पास 67.9 बिलियन डॉलर्स इन रियल US डॉलर्स पड़ा हुआ है। तो आप लोगों को भी इस बारे में आइडिया है कि टेथर वही कंपनी है जो कि ये बात साफ तौर पर जाहिर करती है कि उसकी जितनी भी सर्कुलेशन सप्लाई है USDT के अंदर उसके बैक में उनके पास 1:1 रेशो के ऊपर US डॉलर पड़ा हुआ है।
लेकिन इस वक्त जो इल्जाम है टेथर कंपनी के ऊपर, वो ये इल्जाम है कि टेथर ही वो कंपनी है कि जिसने प्रीवियसली बिटकॉइन की प्राइस को मैनिपुलेट किया था, कि जिसकी वजह से टोटल जो क्रिप्टो मार्केट कैप है उसको 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का डैमेज हुआ था। तो ये एक काफी बड़ा इल्जाम है टेथर कंपनी के ऊपर, और इसकी वजह से कोर्ट ने अब ये हुक्म दिया है टेथर कंपनी के वो लोग अपनी बैलेंस शीट्स, अपनी जनरल लेजर्स, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, अपनी इनकम स्टेटमेंट्स और उसके साथ साथ अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, ये सारा का सारा डाटा शेयर करे कोर्ट के साथ, ताकि ये जाहिर हो सके, जो टेथर कंपनी ये कहती है कि यूएस डॉलर्स की बैग के ऊपर उनके पास इतना ही यूएस डॉलर पड़ा हुआ है, ये साफ तौर पर जाहिर हो सके। लेकिन जो टेथर कंपनी है उसने ये जाहिर किया है कि ये एक इनक्रेडिबली ओवरबोर्ड रन है कोर्ट की तरफ से, और ये काफी ज्यादा बर्डन से होगा उनके लिए, तो इसको डिसमिस किया जाए। लेकिन जज ने टेथर कंपनी की इस रिक्वेस्ट को ही डिसमिस कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये सारा का सारा डाटा जल्द अज जल्द कोर्ट के सामने पेश किया जाए। तो पॉइंट जो मैं यहाँ पे टेथर की तरफ से ये बनाना चाह रहा हूँ, वो ये बनाना चाह रहा हूँ कि अगर तो समहाउ ये जाहिर हो गया कि टेथर की बैग में इतना ही यूएस डॉलर नहीं पड़ा हुआ, बल्कि बस वो जितने भी टोकन चाहें वो लोग उतना मिंट करते हैं और उसको मार्केट के अंदर सप्लाई के अंदर भेज देते हैं, अगर तो ये जाहिर हो गया तो इसकी वजह से हम लोग एक बहुत बड़ा क्रैश देखेंगे तमाम क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, क्योंकि इस वक्त यूएसडीटी दुनिया की नंबर 1 स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। और प्रीवियसली जब यूएसटी मतलब कि टेरा, यूएस टेरा का जब क्रैश हुआ था मिड मई के अंदर, तो अप्रैल के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो सिर्फ टोटल सर्कुलेशन सप्लाई थी यूएसटी की वो थी सिर्फ और सिर्फ 31.7 बिलियन डॉलर्स, और स्टेबल करेंसीज के अंदर तब ये तीसरी सबसे बड़ी स्टेबल करेंसी थी। मतलब कि सबसे पहले थी यूएसडीटी, दूसरी थी यूएसडीसी और तीसरी थी यूएसटी, लेकिन इस वक्त यूएसडीटी सबसे बड़ी स्टेबल करेंसी है, और दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबल करेंसी के ऊपर अगर ये इल्जाम जाहिर हो गया कि इनकी बैग के ऊपर इतना यूएस डॉलर नहीं पड़ा हुआ, तो एक बहुत मेजर क्रैश आएगा तमाम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो ये किसी भी लिहाज से काफी अच्छा साइन नहीं है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए, मतलब यूएसडीटी के लिए तो वाकई में बहुत बुरा है, लेकिन तमाम क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी, तमाम क्रिप्टो मार्केट के लिए ये बहुत बुरा साइन होगा अगर तो यूएसडीटी किसी भी तरह ये जाहिर ना कर सका कि उनके पास इतना ही यूएस डॉलर बैग के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये लॉसूट अभी भी कंटिन्यू है, जैसे जैसे इसके ऊपर अपग्रेडेशन होती जाएगी वो अपग्रेडेशन आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा मैं, और उससे फिर आप लोगों को आइडिया हो सकेगा कि क्रिप्टो करेंसीज हम लोगों को आने वाले वक्त के अंदर कैसा रन दिखा सकती है। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और नेक्स्ट जो मेजर न्यूज है अगर उसके बारे में आपको बताता चलूं, तो नेक्स्ट मेजर न्यूज आ रही है यहाँ पे रशिया की तरफ से, कि जहाँ पे रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात की इजाजत दे दी है कि वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर सकते हैं अब क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, कि जिसके अंदर मेजरली क्रिप्टो करेंसी शामिल है बिटकॉइन और इथेरियम। तो ये काफी अच्छा साइन है, प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी तरफ से काफी ज्यादा सेंक्शन लगाई गई थी रशिया के ऊपर और रशियन रूबल के ऊपर, तो उसकी वजह से अब रशिया ने क्रिप्टो करेंसीज का सहारा लिया है, और अब हम लोग देखेंगे कि जितनी भी आने वाली ट्रेडिंग होगी रशिया की दूसरी कंट्रीज के साथ, उसकी जो पेमेंट होगी वो बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर और बाकी जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनके जरिए से होगी। तो ये काफी अच्छा साइन है, लॉन्ग रन के लिए भी काफी अच्छा साइन है, रशिया पहला वो कंट्री होगा जो कि क्रॉस बॉर्डर अपनी पेमेंट्स करेगा बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर, और फ्यूचर के अंदर बाकी भी जो से कंट्रीज अगर करना चाहेंगे तो वो रशिया को फॉलो करेंगे, और रशिया ने जो भी सिस्टम बनाया होगा वो उसको फॉलो करते हुए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अपनी पेमेंट्स करेंगे क्रॉस बॉर्डर। तो अगेन ये काफी अच्छी न्यूज थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी थी। अब अगर आगे चलते चले और नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते चले, तो नेक्स्ट मेजर न्यूज आ रही है रिपल के ऊपर से। तो मेजर न्यूज तो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी हुई थी अपनी 19 सितंबर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, कि किस तरह से रिपल फर्म अब अपना जो सा केस चल रहा है उसका एसईसी के साथ वो केस जीत सकती है। तो रिसेंटली हम लोगों ने काफी जबरदस्त किस्म का पंप देखा है यहाँ पे रिपल के ऊपर, और रिपल की वैल्यू तकरीबन 56 से 60% तक अबव गई है, तो उसीलिए ये मेजर न्यूज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, मेजर मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरह से रिपल जो फर्म है वो अब केस जीत सकती है एसईसी के खिलाफ। तो बोथ एसईसी और रिपल कंपनी ने ये पिटीशन फाइल किया है जजमेंट की तरफ कि अब इस केस को खत्म किया जाए, ये 2 साल से जो केस चल रहा है अब ये केस खत्म होना चाहिए, और मेजरली अभी भी ऐसा लग रहा है कि रिपल ही ये केस जीतेगा। तो रिपल केस क्यों जीतेगा वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पता लग जाएगा, और अगर ये रिपल ये केस जीता है तो रिपल के लिए काफी अच्छा साइन होगा।
और अब अगर आप लोगों को रिपल के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते हुए बताता चलूं तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि रिपल इस वक्त ट्रेड हुआ था 0.49 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन 0.34 डॉलर्स के लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और अगर आप लोगों ने इस लेवल के ऊपर अपनी एंट्री ली होगी तो आप लोगों ने अभी तक एक काफी जबरदस्त किस्म का अपना प्रॉफिट जनरेट कर लिया होगा रिपल के ऊपर से। तो एक काफी अच्छा रन रिपल ने अगेन हम लोग को दिखा दिया है, और थोड़ी बहुत करेक्शन अब एक्सपेक्टेड है रिपल के ऊपर। तो अगर तो रिपल अपना जो से करंट सपोर्ट लेवल है 0.485 डॉलर्स, अगर इसको तोड़ भी देता है तो इसका नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 0.456 डॉलर्स के ऊपर। इसके अलावा अगर इसके ऊपर तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त रिपल वन ऑफ दोस वेरी वेरी फ्यू क्रिप्टो करेंसीज है जो कि इस वक्त तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव चल रही है, और इस वक्त इसकी तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस अपने लेवल के ऊपर है। मतलब कि सबसे ऊपर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, उसके नीचे 50, उसके नीचे 100, और लास्ट में है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन। तो अगेन एक काफी जबरदस्त किस्म का रन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं रिपल की तरफ से, और अगर रिपल इस तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव भी रहता है तो हम लोग देखेंगे कि रिपल की वैल्यू और भी हम लोगों को ग्रीन रन दिखाएगी, और रिपल की वैल्यू एक बार दोबारा से 0.5 डॉलर से अबव हम लोगों को दिखाई देगी। और अगर तो ये केस रिपल के हक में आ जाता है तो फिर तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का रन हम लोग रिपल की तरफ से देखेंगे, और रिपल की वैल्यू 0.6 डॉलर के लेवल से भी अबव जा सकती है। तो अब रिपल के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा रिपल के ऊपर वो बनेगा 0.487 डॉलर्स के ऊपर, और आप लोगों का जो सा करंट एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0.516 डॉलर्स के ऊपर। इसके अलावा लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो आप लोगों के जो से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे रिपल के ऊपर वो बनेंगे 0.487 डॉलर्स के ऊपर, उसके बाद 0.46 डॉलर्स के ऊपर, और अगर सम हाउ इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन 0.442 डॉलर्स के ऊपर। और आप लोगों के लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0.52 डॉलर्स के ऊपर, उसके बाद 0.55 डॉलर्स के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन 0.58 डॉलर्स के ऊपर। और इस तरह से आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे रिपल के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और लास्ट में अगर यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो टेक्निकल एनालिसिस अब करना है डॉट का, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ था 6.4 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और प्रीवियसली काफी देर पहले मैंने डॉट के ऊपर वीडियो बनाई थी और उस वक्त भी हमारे जो टारगेट से वो हिट हो गए थे। लेकिन डॉट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि ये मेजरली हम लोग को रेड रन नहीं दिखा रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस अगर आप लोग देखें तो मेजरली ये भी एक वो क्रिप्टो करेंसी है जो कि इस वक्त मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, और सो फार इसने 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को अपनी सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन हम देखेंगे मेजरली अभी भी हम लोगों को साइड बाय साइड रन दिखाएगा, और अपना जो सा सपोर्ट लेवल है 6.14 डॉलर्स, यहाँ से लेके 6.5 डॉलर्स तक इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है, इसी के दरमियान में हम लोग इसको ट्रेड होता हुआ देखेंगे। मतलब कि बिटकॉइन की तरह ही हम लोगों को साइड बाय साइड रन अभी भी दिखाएगा। तो सबसे पहले डॉट के पर शो टाइम फ्रेम के पर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो शो टाइम फ्रेम के लिए आप लोगों का करंट एंट्री पॉइंट बनेगा 6.2 डॉलर्स के ऊपर, और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 6.6 डॉलर्स के ऊपर। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए अगर आप लोगों को सबसे पहले लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताता चलूं तो आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे 6.2 डॉलर्स, 6 डॉलर्स, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन 5.8 डॉलर्स के ऊपर। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के पर आप लोगों के एक्सिट पॉइंट्स हो जाएंगे 6.6 डॉलर, 6.8 डॉलर्स, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन 7.1 डॉलर्स के ऊपर। इस तरह से आप लोगों का लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी ढूंढ रहे हैं कि जिसके ऊपर आप लोग अगले चंद सालों तक अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सके तो डॉट इज डेफिनेटली वन ऑफ दो क्रिप्टो करेंसीज के जो कि आप लोगों को लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए रिकमेंडेड है। और अगर समहाउ ये आप लोगों को 5 डॉलर्स के करीब या 5 डॉलर से नीचे समहाउ मिल जाती है तो वो आप लोगों के लिए गोल्ड होगा। 5 डॉलर्स के नीचे अगर आप लोगों को ये इसको बाय कर लेते हैं तो लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग काफी जबरदस्त किस्म का अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे पोलका डॉट के ऊपर से। तो पोलका डॉट आप लोगों को डेफिनेटली तौर पे लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए रिकमेंडेड है, और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोग किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे पोलका डॉट के ऊपर। तो यही आज का मेजर टेक्निकल एनालिसिस, और मेजर जो मैंने आप लोगों को बताना था वो S&P का 500 का चार्ट आपके साथ शेयर करना था, जिसके मुताबिक हम लोग इस वक्त फाइनेंशियली वन ऑफ द वर्स्ट ईयर के अंदर चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।